या अब बेचा खिंचा मारे जो मर्जी करे, हमें ढीले पे ढीले चलते देने या, हमें कुछ नहीं करे। बोले आपने देखा गाइस किस तरह से हमने इसकी पतंग को काट दिया, अब हम फंसाने की कोशिश करेंगे इस पतंग को। हे नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी अलग वीडियो में। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी भाई खींच मार के आप पतंग कैसे काट सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ढील से पतंग कैसे काट सकते हैं। अब ढील से पतंग काटने के दो ही तरीके हैं, जैसे आप ढील दोगे दूसरा हो सकता है वो ढील दे, या दूसरा हो सकता है वो खींच मारे। तो मैं आप दोनों केस समझा देता हूँ। लेट करो ये लिफाफे वाली पतंग आपकी है, ये किसी और की उड़ रही है, आपने क्या करना है अपनी पतंग को, ये जो दूसरी उड़ रही है इस पतंग के कन्नों के ऊपर से निकालना है। लेकिन जो कन्नों के ऊपर से निकालोगे तो कम से कम आपकी डोर का डिस्टेंस इससे काफ़ी आगे होना चाहिए। जैसे ये किसी की पतंग है तो आपकी पतंग काफ़ी आगे उड़नी चाहिए उससे, और फिर ऊपर से निकालते हुए उल्टे लाते हुए आपको इस तरह से कन्नों के ऊपर रख के ढील दे देनी है। अब यह बंदा जिसकी यह पतंग है, यह कागज वाली है जो मैंने बना रखी है, अगर ये इसको खींच मारेगा ढील मारेगा आपको उस पर ध्यान नहीं देना, जस्ट आपको क्या ढीले चलती देनी है, जस्ट ढीले आपको चला के रखनी है। अब ये बेशक खींच मारे या ढील मारे 100% है इसी की ही जाएगी। तो गाइज ये थी एक सिंपल सी ट्रिक, अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले मैं अपनी काइट को डाल लेते हैं, सब दिखा 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 दिखा, तो गाइज हमने पतंग हवा में लग चुकी है हमारी। पहले हम दूर रखेंगे उस पतंग से जो हमें काटनी है थोड़ी पहले, और मैंने आपको बताया था भाई उस पतंग से थोड़ी आगे लेके जाने, आपको उस पतंग से थोड़ी आगे निकालनी है अपनी इस पतंग को। देखे जैसे किसी की पतंग उड़ रही है, पहले थोड़ी आगे निकाल लेंगे, जैसे मेरी यहाँ पतंग निकल चुकी है आगे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जस्ट पहले तो इस तरह से निकालूंगा अपनी पतंग को, और उस पतंग के ऊपर कन्नों के पास ला के रख दूंगा। जैसे देखे मैंने रख दिया, ढीले चलने देनी है आपने, क्या करना है जस्ट ढीले चलने देनी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मर्जी करे अपनी पतंग के साथ, हमें अपनी पतंग की ढीले चलने देनी है। वैसे वो पतंग को खींचे या ना खींचे हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ढीले चलनी देनी अपनी पतंग की। ये मैंने चरखड़ इस तरह से पकड़ लिया। अब बेशक उसकी जितनी मर्जी डोर अच्छी हो या बेकार हो हमें कोई मतलब नहीं है उसके डोर से, हमें जस्ट अपने डोर के ढीले चलते देने हैं यहाँ पर। आई बोले देखा फ्रेंड्स किस तरह से हमने इसकी कट कर दी है पतंग को। देख सकते हैं फ्रेंड हमने किस तरह से इस पतंग को कट कर दिया है आसानी से, कितने ही आसानी से, और ये हमारी पतंग रही। तो गाइज अगर दूसरी पतंग कोई खींच मार दे, और आपका ढील का केस समझा रहा हूँ मैं, अगर दूसरा कोई खींच मार दे तब आपने उस कंडीशन में क्या करना है। तो गाइज देखिए हमें क्या करना है, कन्नों के ऊपर लाना है इस तरह से, कन्ने के ऊपर लाएंगे और जो भी पतंग उड़ रही है देखिए हम झुका के घेर देंगे उसके ऊपर। देखिए गाइज हम क्या करेंगे, कन्नों के ऊपर झुका के घेर देंगे दूसरी पतंग के इस तरह से। और ये हमने झुका दिया, अब वो बेचा खिंचा मारे जो मर्जी करे, हमें ढीले पे ढीले चलते देने या, हमें कुछ नहीं करे। बोले आपने देखा गाइस किस तरह से हमने इसकी पतंग को काट दिया, अब हम फंसाने की कोशिश करेंगे इस पतंग को। तो गाइस हम फंसाने की कोशिश की थी लेकिन चली गई, चलो कोई बात नहीं। आपने देखा मैंने दिखा दिया किस तरह से ढील के साथ, अगर कोई दूसरा भी ढील दे रहा तब क्या करना है, अगर दूसरा खींच मारना है तब क्या करना है उस केस में। तो गाइज होप कर तो वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक तो कर दे करो यार, शेयर कर दे करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे करो। थैंक्स गाइज, और सभी को बेस्ट ऑफ लक हैप्पी न्यू ईयर के लिए भी, और बसंत पंचमी आने के लिए भी, अभी बसंत पंचमी 29 तारीख की। लव यू गाइज़।